एक घंटे से आम के खेत में अरविंद इंतजार कर रहा था। अब पेशेंस भी खत्म हो चुका था। तब तक उसका दोस्त किशोर आता है। अरविंद उसे गुस्से से देखने लगता है। ऐसे गुस्से से मत देखो, मैं आ ही रहा था, माँ ने घर पे एक छोटा सा काम कह दिया, फिर उस काम को करने गया तो एक घंटा लग गया। मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? बस मुझे अनामिका चाहिए। मैं अपने प्यार के बारे में उसे समझा के थक गया, पर वो समझी नहीं। अब मेरा दिमाग खराब ना हो जाए। अरे मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। ऐसा होगा कि उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम भी वैसा ही करो तो अनामिका तुम्हारी। तो देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से बताओ ना वो तरकीब, मुझे कैसे भी बस अनामिका को पाना है। इस तरह से अरविंद के पूछने पे किशोर अरविंद को अपनी तरकीब बताता है। सुनकर ही अरविंद को बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि अनामिका जैसे मानो की उसकी खुद की पत्नी है। किशोर उसे गौर करता है। अरे अभी इतना मजे मत लो, पहले अनामिका के पास चलो, फिर जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक उसे राजी कराओ। चलो। अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? असल में अमृता आएगी बोली है, किशोर शर्माते हुए कहता है। ये देखकर अरविंद मुस्कुराता है। तुम्हारा बढ़िया है, प्यार का प्यार और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट। उसके बाद बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप वो खेत के तरफ चला जाता है। एक मिट्टी के घर के सामने बेंच के ऊपर अनामिका बैठ के कपड़े सिल रही होती है। तभी माँ अपर्णा हाथों में बैग लेके घर के अंदर से बाहर निकल आती है। अनु, मैं सब्जियां लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। माँ सच बताओ तो, तुम बाजार जा रही हो या बाजार जाने के नाम पे अपनी बहन शारदा से मिलने जा रही हो? दोनों ही काम के लिए जा रही हूँ। आप बार बार उनके घर पे क्यों जाती है मिलने के लिए? मैंने कहा है ना कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी तो क्या अपने मायके में ऐसे ही बैठे रहोगी? मैं ऐसे ही नहीं रह रही हूँ माँ, पिताजी उधार का बोझ नहीं सह पाए, इस वजह से वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। वो उधार पूरी तरह से खत्म हो जाए फिर मैं शादी करूंगी, और शादी के बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, यहीं रहूंगी तुम्हारे पिता के बनाए घर में। आपकी मर्जी, पर आप वहाँ पे मत जाओ, सीधा बाजार जाओ, बाजार से सब्जियाँ खरीद के सीधा घर वापस लौट के आओ। सिलाई करते वक्त जरा आसपास नजर रखना, जैसे ही तुम्हें लगे कि अरविंद आ रहा है, तुम आस पड़ोस में रहने वाली रेणुका आंटी, पार्वती आंटी, उन लोगों को बुला लेना। माँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी ना। जो कह रही हूँ सुनो, अगर कोई आए अंदर जाके दरवाजा लगा लेना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो कि बेटी घर पे है, वो कैसे सब कुछ संभालेगी, तुम बस आराम से सड़क से चल के जाना। ये सब के बाद अपर्णा अपने घर से चली जाती है। उसी गांव में शारदा और उसके परिवार एक बिल्डिंग में रहते थे। पति प्रसाद जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, शारदा उनके पास जाती है। अजी शाम को ऑफिस से घर लौट के आते वक्त जाके समधन से मिल लीजिएगा, सब कुछ खुल के बताइएगा ताकि अनामिका भी समझ सके। इधर हमारा बेटा रमेश और उधर अनामिका, दोनों की शादी की उम्र भी तो निकलते जा रही है। ठीक है शारदा, मैं बात करूंगा, पहले मेरा लंच बॉक्स दे दो। इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। उधर रमेश अनामिका के पास जाता है। अनामिका रमेश को देखकर इज्जत देते हुए कहती है, आइए आइए यहाँ बैठिए। कहते हुए वो एक खाली चेयर की तरफ दिखाती है। रमेश जाके वहां पे बैठता है। अच्छा क्या आप पानी पियेंगे? तुम्हें मुझे पानी नहीं देना चाहिए अनामिका। पिताजी का लिया हुआ कर्ज का बोझ मैं माँ के कंधों पे छोड़ के नहीं आ सकती। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ रहा हूँ, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे उधार चुकता कर दूंगा, पर तुम मेरी बात मान ही नहीं रही हो। तुम अपना सिलाई करती रहो ना। आप बाहर के इंसान है ना, मैं चाहती हूँ पिताजी का लिया उधार मैं अपनी मेहनत के पैसे से चुकता करूँ, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। आपसे, सासू माँ से, ससुर जी से मैं बस इतना ही विनती कर रही हूँ। ठीक है फिर क्या कहूँ, अब ऑफिस निकलना होगा मुझे। टेक केयर, अगर वक्त मिले तो फोन कर लेना। अच्छा ठीक है, आपके बिना मेरा और है ही कौन। इस तरह कहने पे रमेश खुशी खुशी फिर वहां से चला जाता है। उधर अरविंद
किशोर के प्लान के मुताबिक चलते हुए बिना डरे हुए अनामिका के पास जाता है। अनामिका किशोर को देख लेती है। अनामिका, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है अरविंद। चीची, चेंज पैसे की मदद नहीं चाहिए अनामिका, वो मेरा दोस्त है ना किशोर। हाँ जानती हूँ, तो अमृता नाम की एक लड़की से उसे प्यार है। तो क्या वो शादी करना नहीं चाह रही है? नहीं नहीं, हमें वहाँ पे रहकर शादी करानी है। मतलब? किशोर के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है अनामिका, हमें उसके घर के बड़े होकर शादी देनी होगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मेरी उतनी उम्र भी नहीं है कि मैं जाके किसी की शादी कराऊं। इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली, और अगर अभी तुम गए तो मुझे शांति से काम करने को मौका मिलेगा। तुम्हें साथ लिए गए बिना मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। कहते हुए वो अनामिका का हाथ पकड़ लेता है तो अनामिका को गुस्सा आता है। छोड़ो मेरा हाथ अरविंद, अगर कोई देखेगा तो गलत कहेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं, जब तक कोई देख ना ले तब तक मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस तरह कहकर वो अनामिका के हाथ को कस के पकड़ लेता है। अनामिका को गुस्सा आता है और अरविंद को एक थप्पड़ लगाती है। अरविंद को गुस्सा आता है, वो उसका हाथ छोड़ के सीधा उसके कंधे पे हाथ रख देता है। अनामिका को अरविंद के बर्ताव के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो टेबल के ड्रॉअर में मिर्ची पाउडर रखी हुई थी। वो मिर्ची पाउडर सीधा अरविंद के मुंह पे फेंकती है। चेहरा जलने की वजह से अरविंद परेशान हो जाता है। तुरंत अनामिका वहाँ से भागकर अपने घर में जाती है और दरवाजा लगा देती है। ठीक उसी समय प्रशांत स्कूटी लेके ऑफिस जाते वक्त वो अनामिका के घर पे चले जाते हैं। देखते हैं दरवाजा हल्के से खुला हुआ है, सिलाई मशीन के पास भी कोई नहीं है। मशीन के टेबल के ऊपर मिर्ची पाउडर रखी हुई है। कुछ घटना घटी है इस बात का अनुभव प्रशांत को होती है। खिड़की से झांकते हुए वो अंदर देखते हैं। देखते हैं अनामिका नीचे बैठकर वहाँ पे रो रही है। प्रशांत बहुत घबरा जाते हैं। बेटा अनामिका, दरवाजा खोलो, मैं प्रशांत चाचा, मैं आया हूँ। ये सुनकर अनामिका अपना आंसू पोंछते हुए आके देखती है कि होने वाले ससुर जी आए हैं। पिताजी, आपको देख के हमेशा लगता है कि मेरे अपने पिताजी आ गए हैं। अरे मुझे तो लगा मैं तुम्हारे पिता ही हूँ। वैसे तुम क्यों रो रही हो बेटा? उधर मशीन के ऊपर देखा कि मिर्ची पाउडर गिरा है। पिताजी, वो अरविंद पिताजी। इतना कहकर रोने लगती है अनामिका। प्रशांत पूरी बात समझ जाते हैं। इस तरह से छोड़ देने से उन्हें सबक नहीं मिलेगा, कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसमें तुम्हारा नाम ना आए। मैं संभाल लूंगा, इसके बावजूद इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों रहना चाहती हो? पिताजी के सारे कर्ज जो मुझे उतारने हैं। उस घर में रह के भी तो तुम ये सब कर सकती हो ना? ये कहने पर अनामिका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है। देखो बेटा, घर पे मर्द ना होने से पता है लोग कैसे लालच की नजर से देखते हैं। मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रही हो? आज वो अरविंद यहाँ आकर तुम्हारे कंधों पे हाथ रखा, अगर इससे ज्यादा कुछ हो गया और तुम्हें निकलने का रास्ता नहीं मिला तो तुम क्या करोगे तब? तो आप क्या चाहते हैं पिताजी? जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी रमेश की शादी करवाएंगे, फिर तुम दर्जी बहू बन के हमारे घर पे रहकर काम करते रहना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर प्रशांत खुश होके वहाँ से चले जाते हैं। दो दिनों के अंदर ही शारदा, प्रशांत और अपर्णा तीनों मिलके पंडित जी परमेश्वर के पास जाते हैं। वहाँ रमेश और अनामिका की कुंडली को देखकर वो एक अच्छा मुहूर्त निर्धारित करते हैं। वो सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर आसपास जितने उनके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, सभी को वो रमेश और अनामिका की शादी के बारे में बताते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वो दिन आया जिस दिन रमेश और अनामिका की शादी थी। अनामिका शादी के जोड़े में बहुत सुंदर से तैयार होती है, लेकिन शादी के मंडप में बिना पैंट पहने हुए रमेश भागते भागते अनामिका के पास आता है। ये देखकर अनामिका, चीची ये क्या है? अरे अनु, गलत मत समझो मुझे, ये शादी का जोड़े का पैंट है ना, देखो फटा हुआ है। इतना कहकर वो अपना फटा हुआ पैंट दिखाने लगता है। फिर शादी के मंडप से उठ के अनामिका जाती है और रमेश के पैंट को सिलाई मशीन में सीने लगती है। अनामिका को इस तरह से सीते देख रमेश बहुत खुश हो जाता है। फिर बाद में उस सिले हुए पैंट को पहनकर रमेश मंडप में आके बैठता है। थोड़ी देर बाद दुल्हन अनामिका आके रमेश के बगल में बैठती है। इस तरह बड़े ही धूमधाम से अनामिका और रमेश की शादी होती है।
अनामिका अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए ससुराल में कदम रखती है। आज की कहानी थी दर्जी बहू। आगे आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मिट्टी के घर में सासू माँ शारदा झाड़ू और डस्ट पैन लेकर घूम रही होती है। तभी पोता हरीश और पोती भव्या अपने अपने स्कूल बैग लेकर हॉल में आते हैं और शारदा को देखते हैं। दादी, घर में थोड़ा भी कचरा नहीं है, फिर भी आप ये सब लेके पूरे घर में क्यों घूम रही है? घर में भले ही कचरा ना हो, पर तुम दोनों तो इसी घर में रहते हो ना? आपका कहने का क्या मतलब है दादी? और क्या कहे, तुम और तुम्हारी बहन पूरे घर में कचरा फेंकते रहते हो, यही कहना चाहती हूँ मैं। तुम लोग दोनों स्कूल जाओगे तब जाके घर ठीक ठाक कर पाऊंगी मैं। हम स्कूल तो तब जाएंगे ना दादी, जब आप हमें नाश्ता बना देंगी। नाश्ता ले आइए ना दादी। हाँ दादी, आप ये सब सामान रखिए और माँ को कहिए कि वो हमारे लिए नाश्ता बना दे और हमें वो खिला दे। इस तरह वो कह ही रहा था तब तक अनामिका किचन से गर्मा गर्म डोसा बना के उनके लिए लेकर आती है। बच्चे आओ, आके यहाँ बैठ जाओ। इस तरह कहने पे हरीश और भव्या आके दोनों सोफे पे बैठते हैं। शारदा फिर से पूरे घर में घूमने लगती है। 25 साल की उम्र की खूबसूरत कीर्ति, पर वो अनाथ थी। वो अपने कॉलेज में ढूंढ रही थी गणेश को। उसी दौरान कीर्ति गणेश का दोस्त शेखर से मिलती है। शेखर, गणेश कहाँ है बता सकते हो क्या प्लीज? नहीं कीर्ति, तुम्हारे और गणेश के लिए लाइफ सेट नहीं है। वो मैं देख लूंगी शेखर, लास्ट और फाइनल बार एक बार मैं गणेश से बात करना चाहती हूँ। कहाँ है वो एक बार प्लीज बताओ? वो अपने कमरे में है, लो कमरे की चाबियाँ। इस तरह कहकर वो रूम की चाबियाँ देता है। कीर्ति चाबियाँ ले लेती है। मतलब गणेश कमरे के अंदर है और तुम बाहर से चाबी लगा के आ गए हो? हाँ कीर्ति, उसी ने ऐसा करने को कहा। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला जाता है। कीर्ति बिना देर किए हुए कार में बैठ के सीधा शेखर के कमरे में आती है। आके दरवाजा खोलती है, देखती है कि गणेश खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई कर रहा है। गणेश को लगता है कि शेखर आया है। ऐसा सोचकर गणेश कहने लगता है, शेखर पूरे कॉलेज में कीर्ति मुझे ढूंढ रही होगी ना? वो शेखर के कमरे में भी आ गई है अब। इस तरह कहने पे गणेश पलट के देखता है, कीर्ति दरवाजे के पास खड़ी थी। कीर्ति तुम हो, तुम मुझे कैसे ढूंढ ली? चीटर, शेखर तुम्हारे आंखों के आंसुओं में बह गया और कमरे का चाबी ही दे दिया। इस तरह कहने पे कीर्ति को बड़ा गुस्सा आता है और वो गणेश के पास आके उसे एक थप्पड़ लगाती है। सॉरी कीर्ति। पागल हो गया क्या? क्यों गणेश, मेरे प्यार को क्यों अवॉइड कर रहे हो? मैं कहूंगा नहीं कीर्ति, मैं तुम्हें अपना घर ले चलूंगा। मेरी घर की परिस्थिति देखने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तो कब हम चल रहे हैं? कल। अच्छा ठीक है, आई लव यू गनी। इतना कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। उधर घर के बगीचे में खटाल जैसा बना हुआ था, वहाँ पे गाय रखी हुई थी। उन्हें प्रसाद पाइप के पानी से नहला रहे थे। अनामिका बच्चों को लेकर उनके पास आती है। पिताजी, मैं बच्चों को लेकर उनके स्कूल जा रही हूँ। मैंने चावल सब्जी बना रखा है, भूख लगे तो लेके खा लीजिएगा। ठीक है बहू, बच्चों को लेकर सावधानी से जाना। ठीक है पिताजी। बच्चे, दादाजी को बाय कहो। इस तरह कहने पे हरीश और भव्या प्रसाद को बाय कहते हैं। बहू, तुम्हारी सास क्या कर रही है? हर दिन की तरह काम काज पिताजी। इसका मतलब है झाड़ू और डस्ट पैन लेकर वो पूरे घर में घूम रही है। हाँ पिताजी। तुम्हारी सास ना कभी समझेगी ना कभी सीखेगी, अकल ही नहीं है। माँ तो वैसी ही है ना पिताजी। इतना कहकर बच्चों को लेकर वहाँ से वो चली जाती है। उधर सूत का व्यापार करने वाला धनंजय के पास रमेश जाता है। क्या रमेश बाबू यहाँ पे? आपको तो अच्छे से पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या हुआ, फिर से पैसों की जरूरत पड़ी है? हाँ बाबू, शहर में मेरा छोटा भाई रहता है, उसे पैसे भेजने हैं, उसी के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। इस तरह से वो कह ही रहा था तभी गणेश अपने साथ कीर्ति को वहाँ ले आता है। उन दोनों को देखकर रमेश और धनंजय आश्चर्य रह जाते हैं। भैया आप ये यहाँ पे? तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे भाई मुझसे उधार ले रहा है और तुम यहाँ पे ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हो?
देखिए, आप लोगों को गणेश के बारे में कुछ भी नहीं पता। भैया पहले घर चलिए, हम बाकी बात वहाँ पे जाके करेंगे। वहाँ पे वो एक मिनट नहीं रुकना चाहती है। इस तरह कहने पे सभी लोग एक साथ घर की तरफ जाते हैं। उधर अनामिका अपने साथ बच्चों को स्कूल ले जाके छोड़ती है, फिर उन्हें बाई कहकर अपने घर लौट आती है। उधर घर पे शारदा, प्रसाद, रमेश, उसके साथ गणेश और कीर्ति सभी लोग बैठे हुए थे। अरे वो देखो, अब भाभी भी आ गई। इस तरह कहने पे अनामिका जाके रमेश के बगल में बैठ जाती है। माँ, पिताजी, इसका नाम कीर्ति है, ये मेरे साथ ही पढ़ती है और ये अनाथ है। वो ठीक है भाई, ये बताओ कि तुम उसे अपने साथ घर क्यों लेकर आए? आप लोग अभी तक नहीं समझे, ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ऊपर से ये दोनों वहाँ से इतने दूर आए, आप लोगों को तो समझ जाना चाहिए कि ये गणेश से कितना प्यार करती है। ये सुनकर कीर्ति खुश हो जाती है। आके अनामिका से वो आशीर्वाद लेती है। दीदी आप सुपर है। मेरी भाभी हर चीज में सुपर है। तुम्हें पता है कीर्ति, मेरी भाभी चिकन मोमोज बहुत ही कमाल का बनाती है। ये सुनकर कीर्ति खुश होके कहने लगती है, दीदी फिर मेरे लिए चिकन मोमोज एक बार बनाइए ना। ठीक है कीर्ति। माँ, पिताजी, गणेश और कीर्ति यहाँ पे आए हैं आप लोगों से अनुमति लेने के लिए। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तुमने स्वीकार कर लिया है तो इसमें हमें भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है बहू। अजी, जाके चिकन ले आइए। ठीक है अनामिका। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। गणेश कीर्ति को लेके घर के अंदर जाता है। अपने कमरे में बिस्तर के ऊपर बैठकर दोनों प्यार भरी बातचीत करने लगते हैं। रमेश जल्दी से चिकन लाके अनामिका को देता है। अनामिका बहुत ही मेहनत से चिकन मोमोस बनाती है। अनामिका, मैं बच्चों को स्कूल से ले आता हूँ। ठीक है जी। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका किचन में चिकन मोमोज बनाने में लग जाती है। उधर कमरे में गणेश और कीर्ति बात कर रहे होते हैं। रमेश तब तक स्कूल से बच्चों को लेकर घर लौट आता है। अनामिका चिकन मोमोज बना के सभी को बुलाती है। सभी लोग आकर हॉल में बैठते हैं। अनामिका खुद का बनाया चिकन मोमोज सभी के प्लेट में परोस देती है। कीर्ति अनामिका के द्वारा बनाए हुए चिकन मोमोज बहुत खुशी से खाती है। दीदी मैं सच कह रही हूँ, शहर में इस चिकन मोमोज का क्या डिमांड होगा, और ऊपर से अभी सर्दियों का मौसम है, अभी तो मोमोज का बहुत डिमांड होता है। इस तरह से कहने पर अनामिका भी इस बारे में सोचने लगती है। कीर्ति खुशी खुशी सभी के साथ समय गुजारती है और फिर शहर के लिए निकल जाती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर सर्दियों का मौसम शुरू होता है। चिकन मोमोज सेंटर शुरू करने के लिए रमेश और अनामिका दोनों ही सोच विचार करने लगते हैं। फिर एक दिन प्रसाद और शारदा जब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। शारदा, अनामिका ने तुमसे कुछ कहा है क्या? किस विषय में जी? हाँ, एक गाय मैं बेचना चाहता हूँ इस बारे में। ये सुनते ही शारदा आश्चर्य होकर देखने लगती है। क्यों जी? यही शारदा कि बहू अनामिका शहर में एक चिकन मोमोज का सेंटर खोलना चाहती है, लेकिन वो कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए सोच रहा हूँ गाय बेच दूँ। जब वो कह रहे थे, बाहर से रमेश और अनामिका उन्हें ये बात कहते हुए सुन लेते हैं। उन दोनों की आंखें भर आती हैं। दोनों उनके पास जाते हैं। नहीं पिताजी, गायों से आपका बहुत लगाव है, उन्हें मत बेचिए। हमने धनंजय जी से बात की है, वो हमें पैसे उधार देंगे। अनामिका की ये बात सुनके प्रसाद और शारदा बहुत खुश होते हैं। अगले दिन ही शहर में एक अच्छा सेंटर पॉइंट देखकर अनामिका चिकन मोमोज का ठेला शुरू कर देती है। सर्दियों का मौसम था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। अनामिका का चिकन मोमोज अब जबरदस्त बिकना शुरू हो जाता है। शारदा घर पे ही रहती थी और प्रसाद गायों का देखभाल किया करते थे। अनामिका चिकन मोमोज बनाकर बेचा करती थी और उसके बच्चे हरीश, भव्या, साथ ही साथ उसके पति रमेश उसे मदद किया करते थे। बच्चे, बर्फबारी हो रही है, आप लोग घर जाइए। दादी, डस्ट पैन और झाड़ू छोड़ के यहाँ आएंगी नहीं, दादाजी तो वैसे ही बीमार है, पिताजी अकेले में आपको कितना मदद करेंगे बताइए। इसीलिए मैं और भैया आपके साथ यही रहेंगे। बहन, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? नहीं भैया। इतना कहकर बच्चे माँ अनामिका को उसके काम में मदद करने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे अनामिका का चिकन मोमोज उस इलाके में फेमस हो जाता है और वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। फिर एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर गणेश और कीर्ति की
शादी करा दी जाती है। उसके बाद से कीर्ति इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद अहंकार ना दिखाते हुए अनामिका को चिकन मोमोज बेचने में मदद करने लगती है। इसी के साथ अनामिका के द्वारा बनाए गए चिकन मोमोज का व्यापार देखते ही देखते दो दुगनी चार हो जाती है और उससे अनामिका और उसके पूरे परिवार को बहुत मुनाफा भी होता है। पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।